हेलो दोस्तों। तो चलिए, हम लोग एमपीपीएससी का एक सेट देख चुके थे प्रारंभिक परीक्षा के लिए। अब बात करते हैं हम दूसरे सेट की। ठीक है, एमपीपीएससी का प्री के लिए दूसरा सेट दिया गया है, तो इसे भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, याद रखिए ये सभी सेट मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स 2019 लिस्ट में पड़े होंगे। ठीक है, या फिर एमपीपीएससी अनसोल्ड। तो याद रखना, मध्य प्रदेश करंट अफेयर 2019 जो सूची बनी है उसी में मिल जाएंगे आप लोगों को। ठीक है, 6 सेट हैं, एक तो एक खत्म कर चुके हैं, ये दूसरा है। पहला क्वेश्चन, मेधा पाटकर का नाम किस आंदोलन के साथ जुड़ा है? तो आपको पता होगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, चिपको आंदोलन 1973 में चमोली जिले उत्तराखंड से प्रारंभ हुआ था। इसके प्रमुख नेता थे सुंदरलाल बहुगोड़ा, गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट आदि। ठीक, और याद रखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन था जो सरदार सरोवर बांध से निर्पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने हेतु कार्यरत थे। दूसरा क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है? तो आपको पता होगा, फॉसिल। ठीक है, तीसरा है, हल्दी के पौधे खाने लायक हिस्सा होता है, तो याद रखिए जड़, ये ऑप्शन सही है। चौथा क्वेश्चन, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आपको पता है, चंदेलों द्वारा 10वीं 11वीं शताब्दी में। ठीक, फिर पांचवा क्वेश्चन, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? तो आपको पता होगा, अवंती का। से कालिदास की नगरी भी कहा जाता है, छिपरा नदी के तट पर है अवंतिका। ठीक है, उज्जैन, यहाँ पे देख 12 वर्ष में सिंहस्थ मेला लगता है। ठीक है, फिर छठवां क्वेश्चन, वर्ष 1993 में शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्म की संसद में किसका नाम जुड़ा है? तो आपको याद रखना है, स्वामी विवेकानंद। सी ऑप्शन सही है। सातवां क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? मोहम्मद इकबाल ने। डी ऑप्शन सही है। याद रखिए, इंकलाब लिखा पूछ रहा है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा मोहम्मद इकबाल ने लिखा था, जबकि भगत सिंह ने सर्वप्रथम सार्वजनिक रूप से गाया था इसे। ठीक, याद रखिए। सुभाष चंद्र बोस के नारे कौन कौन थे? आजाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र थे। इन्होंने जय हिंद तथा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसे नारे दिए थे सुभाष चंद्र बोस ने। चंद्रशेखर आजाद एक काकोरी कांड से संलग्न थे। ठीक है, याद रखिए, लियाकत अली पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आठवां क्वेश्चन, भारतीय अभिनेत्री देविका रानी ने किससे विवाह किया? याद रखिए, चित्रकार स्वेतोस्लाव रोडरिक। देविका रानी को 1900 प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, याद रखिए। 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन कौन है? तो एन के सिंह। सी ऑप्शन से 2020 से 2025 के लिए बना है। ठीक है, वित्त आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 280 में है, याद रखना। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा करते हैं। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वाई बी रेड्डी।
दसवां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितने घोषित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? याद रखिए दो, पहला भोपाल है और फिर इंदौर को दर्जा मिला है। इंदौर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान दुबई के लिए फिर प्रारंभ हुई है 2 जुलाई 2019 से। 11वां क्वेश्चन है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष नाम बताइए। तो रोज मैथ्यू, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग। बारहवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने शिबू सोरेन का नाम जोड़ा है? झारखंड मुक्ति मोर्चा। तेरहवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? व्याख्यान की स्वतंत्रता का अधिकार ये भी है, संविधानिक प्रतिकार का अधिकार ये भी है, समानता का अधिकार ये भी है, तीनों है, लेकिन संपत्ति का अधिकार नहीं है। याद रखना, ये 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसे संविधानिक मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है, ठीक, कानूनी अधिकार बना दिया है, 300 अनुच्छेद 300A में रख दिया है इसे, ठीक, याद रखिए। बात करते हैं 14, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्न में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? तो याद रखिए, हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से स्थापित होती है। इस रेट को जारी कर कोर्ट किसी विरुद्ध व्यक्ति को अपने समक्ष शरीर उपस्थित करने का आदेश दे सकता है। 15वां क्वेश्चन, संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य है? संसद की लोक लेखा समिति एवं विनिमय तथा कंप्यूटर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण करना। सोलहवां क्वेश्चन, भारत में जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष महिला साक्षरता का प्रतिशत है? ए ऑप्शन सही है, 80.9%, महिलाएं 64.7%, ठीक है, याद रखिए। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ है? केरल में, ठीक है, 93.91%, और न्यूनतम बिहार में 63.82%। 17वां क्वेश्चन, निम्न में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो याद रखना है अरावली। अठारहवां क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण कब होता है? चंद्रमा जब सूर्य व पृथ्वी के बीच होता है, सी ऑप्शन सही है इसका। 19वां क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन सम्मिलित करना है, तो 19 का बी ऑप्शन सही है, गिरवन ए गुजरात में, भरतपुर वर्ल्ड सेंचुरी राजस्थान में, बांधवगढ़ सेंचुरी मध्य प्रदेश, काजीरंगा सेंचुरी असम। 20 है क्वेश्चन नंबर, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार हूं, मैं इसे लेकर रहूंगा, किसका? बाल बाल गंगाधर तिलक का था, ठीक है। बाल गंगाधर ने मराठा और केसरी दो पत्रिकाओं का संपादन भी किया था, याद रखिए। 21वां क्वेश्चन, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो आपको याद रखना है अमरकंटक, ठीक है। 22, नोबेल पुरस्कार अब तक कितने भारतीयों या भारतीय मूल के लोगों को प्राप्त हो चुका है? तो याद रखना है 8। कौन कौन से? रविन्द्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, हरगोविंद खुराना, चंद्रशेखर खुराना,
चंद्रशेखर वेंकटरमन, वेंकटरमन, अमित सेन, कैलाश सत्यार्थी, वो अभिजीत बनर्जी। ठीक है, याद रखिए। 8 है। 23वां, रेवन मैक्सेस पुरस्कार वर्ष 2019 में किस भारतीय पत्रकार को दिया गया? तो याद रखना है रवीश कुमार, एनडीटीवी के संपादक हैं। ठीक। 24, मध्य प्रदेश में कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? तो याद रखिए मड़िया। स्लेट पेंसिल कहाँ बनती है? मंदसौर में। 26, फुटबॉल के साथ निम्न में से कौन सा नाम जुड़ा है? डूरंड कप। 27 है, माओ त्सेतुंग के तत्काल बाद किस नेता ने पार्टी का और चीन राज्य का नेतृत्व एक साथ किया? डेंग जियाओपिंग। 28वां, सामान्य ट्यूब लाइट में कौन सी गैस भरी रहती है? हार्गन के साथ मर्क्यूरी। 29, पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण उत्पन्न होता है? ओजोन लेयर में बाधा। 30वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में किस उपज का सर्वाधिक उत्पादन होता है? आपको पता होगा, सोयाबीन। बी ऑप्शन है। न्यूज ब्रांड का सर्वप्रथम प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो मध्य प्रदेश में, नेपानगर। ठीक। 32 है, फुट और माउथ रोग निम्न में से मुख्यतः होता है? तो आपको याद रखना है होता है मवेशी व भेड़ में, मवेशी व सुअर में, भेड़ एवं बकरियों में, उपयुक्त सभी में होता है। 33वां है, ये वायरस जनित रोग होता है। ठीक है, याद रखना, फुट और माउथ रोग। 33 है, जेरेंटेलाजी निम्न में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो याद रखिए वृद्ध। डी ऑप्शन सही है इसमें। फिर हमारा 34, मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि वहिनी विहीन ग्रंथि होती है? स्रावी ग्रंथि होती है। तो याद रखना यह है अंतःस्रावी ग्रंथि। 35, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? अगस्त 1942। बी ऑप्शन सही है। छत्तीस, भारत से व्यावसायिक संबंध स्थापित करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? था, याद रखना है, पुर्तगाल। इंडियन नेशनल कांग्रेस किसने स्थापित की थी? तो याद रखिए 37, ए ओ ह्यूम ने। 38, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? तो याद रखना है विलियम बेंटिक। ठीक, 1829 में राजा राम मोहन राय ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया था, याद रखिए। 39, उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। 39, राष्ट्रपति के चुनाव में दोनों सदनों के सदस्य और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। ठीक। 40, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? राष्ट्रपति द्वारा संसद की सिफारिश पर। 41, ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष और महिला की जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात वाला जिला मध्य प्रदेश में कौन सा है? तो याद रखना है बालाघाट। चरक संहिता, 42वां, चरक संहिता किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो याद रखिए चिकित्सा। 43 है, राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त राजनीतिक दलों की संख्या 2019 में कितनी हो गई? तो याद रखना है आपको 8। ठीक। एनपीपी को लास्ट में मिला है 8वें के रूप में। ठीक। चवालीस,
भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? तो याद रखना मेकमोहन रेखा। 45 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 में हाल ही में किसे शख्सियत को मिला है? तो याद रखना है ये है अक्कीतम अच्युतम नंबोदियो। ठीक है ये ऑप्शन है। जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा है? तो याद रखिए 46 का है जलियांवाला बाग हत्याकांड। कब हुआ था ये? 13 अप्रैल 1919 को। ठीक 47 निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम है? पृथ्वी के निकटतम है ठीक मंगल। 48 मध्य प्रदेश में सतना जिले में मैहर क्यों प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध संगीतज्ञ के कारण। 49 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन में ग्रेटा थनबर्ग ने विकास के कथित मॉडल की आलोचना करते हुए इसके लिए पूंजी दी पूंजीवादी देशों के लालची व्यापार को दोषी ठहराया। ग्रेटा थनबर्ग किस देश की निवासी है? तो आप लोगों को बता देना है स्वीडन। डी ऑप्शन है ठीक 49 का डी स्वीडन। पुलवामा हमला कब हुआ था आतंकी हमला? तो याद रखना 14 फरवरी 2019 को। 51 संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषाएं सबसे बाद में जोड़ी गई? ठीक तो याद रखिए डी ऑप्शन से। सॉरी सी ऑप्शन है बोडो डोंगरी मैथिली संथाली। ठीक मूल रूप से संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं शामिल थी ठीक लेकिन वर्तमान में इसकी संख्या 22 है। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी को 1967 में जोड़ा गया वही कोंकणी मणिपुर और नेपाली को 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया और बोडो डोंगरी सैंथली तथा संथाली को 1992 में संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया। ठीक 52वां क्वेश्चन ब्रेग्जिट के बारे में एक सही कथन है? ए ऑप्शन सही है। यूरोपीय यूनियन से यूनाइटेड किंगडम के बाहर आने के निर्णय को ब्रेग्जिट कहा जाता है। यूरोपीय यूनियन मास्टिस्ट संधि 1992 में अस्तित्व से आया यद्यपि यूके यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का सदस्य 1973 में बना। ब्रेग्जिट का निर्णय ब्रिटेन में जनरल संग्रह द्वारा हुआ था। ठीक है बात करते हैं 53वां लोकलेखा समिति के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। ठीक है याद रखिए। 54 अंडमान व निकोबार है तो याद रखना है आपको बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है ये ठीक है द्वीपों का समूह। 55 सम्मिलित करना है ठीक है एक सूची को दूसरी से। ब्राजील जिनेरो है कोस्टारिका ए सेंट जॉन्स है पेरू लीमा है और आइवरी कोस्ट यामूसिका है। ठीक है याद रखें। 56वां क्वेश्चन किस नगदी फसल से अधिकतम विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है? तो आपको याद रखना है चाय से डी ऑप्शन है। 57 बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि यह है मरुस्थल में बनती है ए ऑप्शन सही है। 58 बैंक दर क्या है? तो याद रखिए ब्याज की दर जो रिजर्व बैंक व्यावसायिक बैंकों से लेता है। 59 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मध्य प्रदेश में हीरे का उत्पादन होता है
है। 60, डेल्टा का निर्माण उन स्थानों पर होता है जहां निम्न नहीं होते हैं, क्या? गहरा समुद्र। ठीक है। 63, राज्य में मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है, केवल विधानसभा में। सरकारी कमीशन का गठन हुआ था, केंद्र व राज्यों के संबंधों के परीक्षण हेतु। 63, मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शैलचित्र कहाँ पाया जाता है? तो याद रखूँ आपको, भीमबेटका। निम्न में से कौन सा कथक श्रेष्ठ नर्तक है? बिरजू महाराज। साथियान कौन से खेल के लिए जाना जाता है? तो याद रखना है, टेबल टेनिस। हम बात करते हैं 66, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। तो 66, 66 का है पंडित शिव कुमार शर्मा, ये संतूर वादक हैं। पंडित मल्लकार्जुन मंसूर, ये हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित हैं। बीजी जोग, ये वायलिन वादक हैं। अली अकबर खान, ये सरोद वादक हैं। ठीक है, याद रखिए। 67, पालक के पत्तों में निम्न में से किसकी मात्रा अधिक होती है? तो याद रखिए, आयरन की। ठीक है। 68, नरसिम्हम रिपोर्ट का संबंध किसके पुनर्गठन पुनः संरचना से है? बैंकिंग संस्थान। 69, ओलंपिक खेलों में कौन सा खेल नहीं खेला जाता? तो आपको पता होगा, क्रिकेट। 70, केंद्रीय सरकार के अनुसार भारत की आर्थिक विकास दर 2018-19 में क्या अनुमानित है? 7.2, बी ऑप्शन। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है, याद रखिए। भोपाल गैस कांड की जांच से संबंधित समिति है, एन के सिंह समिति कमेटी, ये ऑप्शन सही है। तिहत्तर क्वेश्चन नंबर, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 द्वारा किए गए संशोधन में से एक गलत है, इसके द्वारा। 73, इसके द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार में एक सदस्य महिला सदस्य के रूप में बढ़ाया गया, ये सही है। इसके द्वारा राष्ट्रीय राज्य मानवाधिकार के अध्यक्षों तथा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया, ये भी सही है। इसके तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार का अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश के साथ अब अन्य रिटायर्ड जज भी हो सकेगा, ये भी सही है। इसके तहत मानवाधिकार आयोग का कार्यक्षेत्र सीमित कर दिया गया, ये गलत है। ठीक, डी ऑप्शन गलत है। 74, मानव संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2(1)(घ) में मानवाधिकार को परिभाषित किया गया, इसमें यह सम्मिलित नहीं है। 74, तो इसमें नहीं है, डी। ये व्यक्ति को जन्म से मिले, मानवाधिकार से आशय प्राण स्वतंत्रता समानता और व्यक्ति गरिमा से उपयुक्त अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त या अंतरराष्ट्रीय समझौतों में निर्दिष्ट है, इन्हें भारत में न्यायालयों द्वारा लागू किया गया, डी ऑप्शन है, इसमें सम्मिलित नहीं है। ठीक। फिर 75, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 23 के तहत राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार निम्न में से किसको है? याद रखिए, 75, केंद्र सरकार को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 को क्रियान्वित करने वाला कानून है, तो आपको पता होगा, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम एक्ट 1955। 77वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा की पहली महिला उपाध्यक्ष हैं, तो याद रखना है आपको, हिना लिखीराम कावरे। ठीक है, ये 15वीं विधानसभा अध्यक्ष। बालाघाट से लांजी बालाघाट से कांग्रेस विधायक हैं। 78, मध्य प्रदेश प्रदेश के केवल 2 जिले झाबुआ अलीराजपुर किस राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो याद रखिए, गुजरात। मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगती है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से लगती है और सबसे कम गुजरात से। वर्तमान मध्य प्रदेश में कितनी आदिवासी विकास खंड है? तो आपको पता होगा, 89।
वर्तमान मध्य प्रदेश में कितने आदिवासी विकास खंड है? 89। मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है तो आपको पता होगा, राई। ठीक है, 1956 में राज्य पुनर्गठन के समय मध्य भारत के मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपको याद रखना, तखत मल जैन। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? 82 का, तो याद रखिए डी ऑप्शन। संविधानिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला उज्जैन। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला उज्जैन नहीं है, ठीक है, ये गलत है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला झाबुआ है। न्यूनतम ग्रामीण लिंग अनुपात वाला जिला भिंड है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला डिंडोरी है, ठीक है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला धार है, ना कि उज्जैन, ठीक। मध्य प्रदेश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कितने नगर हैं? तो याद रखिए 4, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और सागर भी हो गए, ठीक है, 5 हो गए। ग्वालियर में तोमर वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? तो याद रखिए 84 का है, वीर सिंह देव, वीर सिंह तोमर ने। भारत संघ में ग्वालियर रियासत का विलय कब किया गया था? तो याद रखिए 85 का है, 1948 में। मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो याद रखना है आपको नीमच। 87, मध्य प्रदेश विधानसभा का गठन किस वर्ष किया गया था? तो याद रखना है 1 नवंबर 1956, सी ऑप्शन है। मध्य प्रदेश में विशेष सशक्त बल एक्ट कब लागू किया गया? तो याद रखिए 1968। हरसौंठ जिप्सम किस जिले में पाया जाता है? रीवा। मध्य प्रदेश की प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? याद रखिए 1972, सी ऑप्शन। 91, मध्य प्रदेश का पहला आधुनिक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? बुरहानपुर। राज्य का पहला अंग्रेजी पत्र माना जाता है? जबलपुर समाचार पत्र। 93, मध्य प्रदेश का एकमात्र कैंसर चिकित्सालय चिकित्सा महाविद्यालय स्थित है? याद रखिए इंदौर। 94, मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण का गठन कब किया गया? तो आपको बता देना है 13 जून 2011 को, 13 जून 2011। 95, निम्नलिखित जोड़ी को सम्मिलित करना है, खिलाड़ी हैं और खेल हैं, ठीक है। तो अपना देखना है, संध्या अग्रवाल इंदौर की है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान है, जिन्हें अर्जुन और विक्रम पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा चुका है। तो याद रखिए महिला क्रिकेट है। फिर असलम शेर खान, ये पुरुष हॉकी है। रीता जैन टेबल टेनिस से संबंधित है। सैयद मुश्ताक अली पुरुष क्रिकेटर है, ठीक है, याद रखिए। फिर है अपना 96, ओरछा मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो याद रखिए निवाड़ी में, पहले टीकमगढ़ में आता था लेकिन अब निवाड़ी, जब से नया जिला बना है निवाड़ी में आने लगा। दक्षिण का प्रवेश द्वार किस जिले को कहा जाता है? तो आपको बता देना है 97 का, असीरगढ़ का किला को। 98, व्हाइट सफाई किस जिले में शुरू की गई? तो याद रखना है सतना। उर्मिला किसकी रचना है? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन की। मवासी बोली मध्य प्रदेश किस जिले की भाषा है, कौन सी? याद रखना तो ये छिंदवाड़ा। तो ये दूसरा सेट है, ठीक है, याद रखना।
आगे बात करेंगे तीसरे सेट के बारे में हम लोग, ठीक है, अगले लेक्चर में।